नमस्कार। राजस्थान की सियासत में अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। 2018 में विधानसभा में जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सचिन पायलट की गई आलोचनाओं की फेहरिस्त में एक और वाक्या जुड़ गया है। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री पायलट के लिए कहा कि एक गद्दार कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात का सबूत है कि सचिन पायलट और उनके पक्ष में एक एक विधायक ने कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए बीजेपी से 10-10 करोड़ रुपए लिए थे। इसी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से सीधे सवाल किया कि वो इतने असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं। गहलोत ने पहले भी उन्हें नकारा, गद्दार और गधा तक कहा है। उन्होंने अशोक गहलोत को याद दिलाया कि जब वो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब राजस्थान में बीजेपी पूरी तरह से हारी थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष ने गहलोत को सीएम बनने का एक और मौका दिया और ऐसे में आज प्राथमिकता इस बात पर होनी चाहिए कि कांग्रेस फिर से राजस्थान का चुनाव कैसे जीत सकती है। पायलट ने गहलोत को बचकाने बयान देने से बचने की नसीहत तक दे डाली। सचिन पायलट के मुख्यमंत्री गहलोत को इस करारे जवाब के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश का भी बयान आया। उन्होंने याद दिलाया कि इस समय हर कांग्रेस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर भारत के राज्यों में और अधिक प्रभावशाली बनाने की है। गहलोत और सचिन पायलट के बीच वार पलटवार का सिलसिला नया नहीं है, पर ये ऐसे समय में है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के कोटा में एंट्री करने वाली है और 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस का आलाकमान राजस्थान में उत्पन्न हुए इस सियासी भूचाल को कैसे संभालता है। आप देख रहे हैं जी न्यूज़, मैं हूं दीपाली सिन्हा।